How long does it take to build muscle? एक साल, दो साल, पांच साल। अब कहने को तो बहुत सारे कह देंगे कि एक हफ्ते में 2 इंच बाइसेप्स बढ़ा लो, 30 दिन में 5 किलो मसल मास बढ़ा लो, बट रियलिटी रियलिटी इससे बहुत दूर है। एंड द रियलिटी इज, बिफोर वी टॉक अबाउट द रियलिटी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड मसल, विच इज हाउ यू कैन बिल्ड मसल द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। तो फास्टेस्ट वे है ना, इज वेरी सिंपल। देर आर ओनली 2 core concepts जो कि तुम्हें समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज मसल्स जो होती हैं तुम्हारी, वो मसल फाइबर्स की बनी होती हैं, और जो तुम्हारी मसल फाइबर्स होती हैं वो 2 type की होती हैं, type 1 muscle fiber एंड type 2 muscle fiber। जो type 1 muscle fiber होते हैं वो तुम्हारे एंड्योरेंस एथलीट्स के ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो type 1 muscle fiber होते हैं ना, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट दे कैन कीप गोइंग एज लॉन्ग एज हम ऑक्सीजन उनको सप्लाई कर रहे हैं, तुम्हारे type 1 muscle fiber काम करते रहेंगे। बट देयर इज अ कैच, तुम चाहोगे कि तुम्हारे शरीर के अंदर type 2 muscle fiber ज़्यादा हों, क्योंकि जो type 2 muscle fiber होते हैं ना वो होते हैं स्प्रिंटर्स के अंदर, वेट लिफ्टर्स के अंदर, क्रॉसफिट एथलीट्स के अंदर वो ज़्यादा होते हैं। और अगर तुम कंपेयर करोगे एंड्योरेंस एथलीट्स वर्सेस स्प्रिंटर्स, तुम खुद देख सकते हो कि स्प्रिंटर्स के अंदर मसल मास ज़्यादा होता है। तो तुम तुम्हारे type 2 muscle fibers को ग्रो कैसे कर सकते हो? तुम तुम्हारे type 2 muscle fibers को ग्रो कर सकते हो 2 तरीके से। फर्स्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस, एंड द सेकेंड वन इज बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो तुम मैकेनिकल स्ट्रेस कैसे बढ़ा सकते हो? जब मान लो तुम लगा रहे हो डेडलिफ्ट 135 pound पे, फिर तुम लगा रहे हो 225 pound पे, फिर तुम लगा रहे हो 315 pound पे, तो जैसे जैसे तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे तुम्हारी मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। और जब जब तुम्हारी मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ती रहेगी, दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यू शुड नो व्हाट दिस इज। अगर नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोज देखो। एंड बिफोर यू गो अहेड एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग वेट, रोड के ऊपर लाद लो तुम पलेटें, उससे पहले तुम्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज करने से पहले तुम्हें तुम्हारे माइंड टू मसल पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड देर आर मोर कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव बीन टॉकिंग इन दैट वीडियो, सो मेक श्योर यू गो वॉच दिस बिफोर यू वॉच दिस एनी फर्दर। फिर आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, विच इज मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो तुम मेटाबॉलिक स्ट्रेस कैसे बढ़ा सकते हो? जब तुम रैप्स लगा रहे होते हो क्या होता है, ओवर टाइम तुम्हारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जो तुम्हारी type 2 muscle fibers होती है ना, उनके अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो एनर्जी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हम टाइम पे ऑक्सीजन उनको सप्लाई नहीं कर सकते, तो वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और जब तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो जो लैक्टिक एसिड है उसी की वजह से तुम्हें जलन होती है, दर्द होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मसल फट जाएगी। जो पंप आता है, पंप एंड लैक्टिक एसिड दे काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड होता है, जब तुम तुम्हारे मसल सेल्स को लैक्टिक एसिड के अंदर रख देते हो, तो तुम्हारे मसल सेल्स ग्रो करते हैं। जब तुम्हारे मसल सेल्स ग्रो करते हैं तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा मसल का साइज बढ़ेगा, तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, देन मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया। एज लॉन्ग एज तुम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस दोनों अपने वर्कआउट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो,
तो तुम्हारा जो मसल मास ग्रोथ पोटेंशियल है वो मैक्सिमल होगा, लेकिन वो मैक्सिमल जब ही हो सकता है जब तुम्हारी डाइट सही हो। सो मेक श्योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट कैलरीज टू इंक्रीज योर मसल मास। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कैलरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मसल मास ग्रो करने के लिए, तो वॉच दिस वीडियो। एंड नाउ द वन एंड ओनली टॉपिक दैट्स बीन देयर सिंस फॉर एवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड मसल। कहने को तुम्हें कोई भी कह सकता है कि इतने टाइम में मसल बन जाएगा, लेकिन जब तुम बनाने जाओगे, जब इट्स नॉट द सेम एज गए वर्कआउट करा और तुम्हारी मसल बन गई। तुम्हारे डाइट मैटर करेगी कि तुम्हारी डाइट कितनी अच्छी है, तुम्हारा वर्कआउट मैटर करेगा, तुम्हारा ये मैटर करेगा कि तुम्हारे मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस दोनों कॉन्सेप्ट को तुम्हारे वर्कआउट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी रिकवरी, तुम कितनी अच्छी तरीके से तुम्हारी रिकवरी होती है। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे स्लीप कैसी है। तो अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि तुम्हारी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, तो एट दैट पॉइंट 1 pound per week मसल ग्रोथ इज गुड। क्योंकि हो सकता है कुछ होंगे तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर, जो कि 1.5 pounds अप टू 2 pounds ऑफ मसल मास पर वीक गेन कर पाएंगे जब वो न्यूबी होंगे। क्योंकि जो न्यूबी होते हैं उनकी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे तुम एडवांस लिफ्टर बनते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा मसल ग्रोथ स्लो होता जाता है, क्योंकि तुम तुम्हारे नेचुरल पोटेंशियल के पास पहुँचने लग जाते हो। तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि सारी चीज़ें ऑन पॉइंट हैं, ठीक है, देन 1.5 pound per week, इससे ज़्यादा वेट इंक्रीज अगर तुम्हारा हो रहा है, लेट मी टेल यू मोस्ट ऑफ इट इज फैट। और ये जो फैट है ना, ये तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी जब तुम फैट लॉस करने जाओगे मसल मास देखने के लिए। और जब तुम कटिंग पे जाओगे, जितनी ज़्यादा देर तक तुम कटिंग में रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मसल मास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं मसल गेन करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाते रहते हैं कि डर्टी बल्किंग करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो मोटे हो जाते हैं, फिर वो पतले होने जाते हैं, भागते हैं, कार्डियो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिर क्या होता है जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो भी चली जाती है, जो मसल मास होती है वो भी चली जाती है, फिर ना उनके मसल मास रहता है, ना उनकी एब्स आती हैं, ना उनकी फिजीक अच्छी होती है, फिर वो रोने लग जाते हैं, फिर वो जाके फिर वही डर्टी बल्किंग करते हैं, और वो उसी लूप में घूमते रहते हैं, तो उनका शरीर कभी बनता ही नहीं है। तो मेक श्योर जो तुम्हारा वेट इंक्रीज का जो तुम्हारा गोल है वो पर वीक, मैं पर्सनली 1 pound per week अगर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह, ठीक है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उससे ज़्यादा अगर तुम्हारा हो रहा है तो तुम्हें तुम्हारी कैलरीज सही से फिक्स करने की ज़रूरत है। और वो तुम फिक्स कैसे कर सकते हो वो मैं लिंक पहले ही वीडियो का ऊपर दे चुका हूँ, सो मेक श्योर यू गो वॉच दैट वीडियो। एंड नाउ थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। मैं अभी वर्कआउट करके आया था, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं जा रहा हूँ अपना सैंडविच बनाने, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन लव यू ऑल। मेक श्योर यार वीडियो शेयर करना प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तुमने अभी तक वीडियो देखी है, इस पॉइंट तक देखी है, तो मेक श्योर यू शेयर द वीडियो, बिकॉज चैनल ग्रो करना है एंड आई एम इन दिस फुल टाइम फॉर रियल। कुछ भी हो जाए मैं इसे बड़ा करके रहूंगा, और इस ये मैं अकेला नहीं कर सकता, आई नीड योर हेल्प इन दैट। सो मेक श्योर अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आती रहे, उसके लिए तुम मुझे सपोर्ट करो, वीडियो शेयर करो, और अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो प्लीज मेक अ स्मॉल डोनेशन सो दैट आई कैन कीप ब्रिंगिंग द गुड इंफॉर्मेशन टू यू एंड योर लव्ड वंस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द डोनेशन इफ यू मेड वन, इफ नॉट नो हार्ड फीलिंग्स। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।